आई एम अल्टीमेटली अ मॉक इंटरव्यूअर, सो लेट्स फिगर आउट आपके इंटरव्यू में जो कि एक्चुअल इंटरव्यू था डीपी अग्रवाल सर का, डीपी अग्रवाल, ओह माय गॉड, डीपी अग्रवाल तो पता वो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो उनका तो बोर्ड में आपको पता लगता है यूपीएससी में जाके अगर डीपी अग्रवाल सर का बोर्ड है फिर तो आप अचानक ही. मेरे साथ में मेरे जो रूम में और कलीग्स थे 5 लोगों का था, हमारा डीपी अग्रवाल सर का बोर्ड आया. तो वो जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो 2 या 3 ने तो बोल दिया भी इस बार तो सिलेक्शन होगा ही नहीं. तो चलो फॉर्मेलिटी के लिए दे देते, एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा. क्योंकि 120 से ज्यादा नंबर सर देते नहीं थे एक्चुअली, ही वाज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट. बड़ा आसान सी बात थी जिस समय, उस समय जब हम मॉक इंटरव्यूज लेते थे तो पुराना कोई कैंडिडेट जो पिछले साल अपीयर हुआ है तो नॉर्मली जब उससे पूछते थे हाँ पिछले इंटरव्यू में क्या हुआ, तो दे यूज्ड टू स्टार्ट सर बोर्ड डीपी अग्रवाल, हम कहते थे अच्छा समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब मेरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में था. इट वाज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स, बिकॉज और गुड काफ़ी वो जो पीरियड है विद डीपी अग्रवाल सर, तो इट्स ही फिनोमिनल. क्योंकि 20-25 मिनट से ज़्यादा वो किसी को रखते नहीं थे, तो आपको पता ही होगा. तो वो 20-25 मिनट से ज़्यादा उनके यहाँ कोई टिक रहा है तो इसका मतलब कि बात हो रही है कि वो हाँ कि दे आर एंगेजिंग. तो मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ कि शुरू के 3-4 क्वेश्चंस मुझे आते ही नहीं थे. एंड सो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, सो बेसिकली यू हैव दे पैनल सिटिंग लाइक दिस एंड यू आर सिटिंग, जनरली ग्लास ऑफ वाटर होता है बट वो पानी का ग्लास भी नहीं था. एंड देयर वॉज अ पेपर एंड अ पेन, मतलब वो डायरी एंड अ पेन विच वॉज प्लेस्ड. तो मुझे पहले तो ये फील हुआ कि पता नहीं, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, कहीं कोई सॉल्व ना कराने लग जाए मैथमेटिकल इन ऑल ना, बिकॉज आई वॉज गुड एट मैथ्स ऑल्सो, मतलब मेरा स्कोर मैथ्स हमेशा अच्छा रहा है. तो एक तो ये होता है कि, लेकिन ये है कि बोर्ड के सामने कुछ कैलकुलेशन आप कर पाओगे या नहीं. तो पहले तो वो था, फिर वो शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन लगातार ऐसे आ गए जो मुझे नहीं आते थे, है ना. तो देन आई kept on saying with my smile ki sir I am not aware of and but I'll update myself, you know. So maine sabse important mere interview mein kya raha ki I knew it is going to be hard given the you know feedback, but I did not lose my confidence and I kept on maintaining my smile. matlab main thoda sa apne aap ko koshish kiya ye dikhane ka ki nahi I am relaxed and I am in my presence of mind, and maine wo kehte na apna nervousness रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया. आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन माई इंटरव्यू. एंड देन फिर उसके बाद ऑफ एंड ऑन फिर क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आए, फिर क्वेश्चन मेरी हॉबी से भी आए. फिर सर ने एक सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, डीपी अग्रवाल सर का ही वो सवाल था कि आप हमेशा लाइक दिल्ली और हरियाणा में आप बेस रहे हो, हाउ डू यू विजुलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरमेंट. आपने कभी, आपकी डीएम पोस्टिंग होगी तो आप किसी गाँव में होगे और वहीं रहना होगा आपको, आप कैसे रहोगी. तो आई आंसर्ड इट, you know, to my, whatever was my mindset at that time. And I think they were quite convinced. Oh, good. Aur wo tha, then कुछ 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड थे विच वर लाइक ओपिनियन ऑन लाइक वॉट इज माई व्यू पॉइंट ऑन दैट. देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड इनोवेटिव कुकिंग, मैंने हॉबी लिखी थी उससे क्वेश्चन था. सो मोर ऑर लेस आई थिंक कि इट वॉज इन अ वेरी यू नो प्रोफेशनली स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट एंड काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बट मैंने जितना आंसर किया वो आंसर में शायद उनको लगा कि शी नोज वॉट शी इज स्पीकिंग. And what was the score? Score मेरा 183 था out of 300. DP Agarwal 183? Yeah. Wow. For audience, DP Agarwal 183 is to be equated with around 220 of the present times. तो अगर मेरा कोई और board होता तो मैं फिर rank 1 होती अपने batch में. Congratulations. Because I had got a very good score in mains. नहीं, but then DP Agarwal giving 183 means he was very convinced that you are going to be good officer. Yeah. On that note, yes. Sonal, आपसे बात करने में जो आनंद मुझे आया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. मैं खुश किस्मती इस बारे में मानता हूँ कि हम लोगों ने बातचीत जब आईएएस ऑफिसर से बातचीत शुरू की है तो एक वीमेन आईएएस ऑफिसर से बातचीत शुरू की है, और मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन और बाकी चीज़ों के हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट कि जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी हम इस चर्चा में बातचीत कर पाएँ. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सिट डाउन एंड दिस कैजुअल टॉक. विल कीप द इंटरेक्शन गोइंग. थैंक यू वेरी मच. Thank you.